सिमिलर सॉल्यूशंस वीडियो नंबर 9, एग्जांपल्स विदाउट एक्सट्रानियस लोसी वीडियो नंबर 6, क्लेरेट्स इक्वेशंस वीडियो नंबर 3। आप सभी का स्वागत। एग्जांपल नंबर 14, यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशंस y इक्वल टू u, xy इक्वल टू v, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर p स्क्वायर प्लस yp मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस y प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। लेट अस सॉल्व इट। ट्रांसफॉर्मेशंस प्रोवाइडेड है, अगर नहीं प्रोवाइडेड होगा तो ये आपको याद भी नहीं रहेगा और बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जितना अभ्यास उतनी ही चीज़ें याद रहती हैं और रिकॉल हो जाता है। एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई पी मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नंबर 1, वी पुट y इक्वल टू यू एक्स वाई इक्वल टू वी सो दैट डी वाई इक्वल्स टू डी यू एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू डी वी दैट इज कैपिटल पी विच इज डी वी अपॉन डी यू इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी यू एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन डी यू, डी यू की जगह हो जाएगा डी वाई एंड दिस इज एक्स प्लस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई स्मॉल पी, क्योंकि स्मॉल पी होता है डी वाई बाई डी एक्स। इम्प्लाइज दैट कैपिटल पी माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई बाई पी इम्प्लाइज दैट स्मॉल पी इज इक्वल टू, ये आ गया, ये इधर जाएगा तो जाएगा वाई अपॉन कैपिटल पी माइनस एक्स। इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू, इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, पी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर अपॉन कैपिटल पी माइनस एक्स होल स्क्वायर, इसको ऐसे कर देता है ए ऐसे, ठीक। नेक्स्ट प्लस वाई पी, प्लस पी में वाई से मल्टीप्लाई करना है तो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन कैपिटल पी माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस वाई तो हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो देखिए वाई का जो मैपिंग है बोला क्लियर कट है ना, जहाँ जहाँ वाई वहाँ यू लिख दें। इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल पी माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल पी माइनस एक्स इंटू टू एक्स प्लस यू और प्लस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यू स्क्वायर से डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वायर अपॉन कैपिटल पी माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस यू अपॉन कैपिटल पी माइनस एक्स और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम p माइनस एक्स होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस यू मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल p माइनस एक्स प्लस कैपिटल p माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स कैपिटल p माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस u कैपिटल p माइनस यू एक्स प्लस कैपिटल पी स्क्वायर माइनस टू पी एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर और टू एक्स पी कैंसिल हो गया। अब जो बच गया पहले उनको उतार लिया जाए, इम्प्लाइज दैट यू पी माइनस यू एक्स है ना और प्लस पी स्क्वायर
प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें से x हटाना है क्योंकि हमें यू वी पी में चाहिए ना, यू वी कैपिटल पी में, तो x हटाने के लिए यहाँ आइए, x की जगह हम लिख दें v अपान y माने v अपान u। कुछ डेटा नोट करते चलें। गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई पी मल्टीप्लाइड बाई टू एक्स प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, नंबर वन। वाई इक्वल्स टू यू, ट्रांसफॉर्मेशन भी लिख लें, y equals to u and xy is equal to v implies that up minus u into x, x माने v upon u plus p square is equal to zero। logic लिख दीजिए, since xy equal to v implies that x इक्वल टू वी अपॉन वाई इज इक्वल टू वी अपॉन यू इम्प्लाइज दैट यू कैपिटल पी माइनस वी प्लस कैपिटल पी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो इम्प्लाइज दैट वी इक्वल टू यू कैपिटल पी प्लस कैपिटल पी स्क्वायर, नंबर टू। ये बन गया क्लेरेट्स इक्वेशन, क्लेरेट्स फॉर्म में रिड्यूस हो गया, वी इज इक्वल टू यू कैपिटल पी प्लस कैपिटल पी स्क्वायर, नंबर टू। क्लेरेट्स इक्वेशन डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू यू वी गेट कैपिटल पी इज इक्वल टू कैपिटल पी प्लस यू डी कैपिटल पी अपॉन डी यू प्लस टू पी d कैपिटल p अपॉन डी यू, यू पी पी कैंसिल हो गया, इम्प्लाइज दैट u प्लस टू कैपिटल p दिस होल मल्टीप्लाइड बाई d कैपिटल p अपॉन डी यू इक्वल्स टू जीरो, नंबर थ्री। जनरल सोल्यूशन टेकिंग सेकेंड फैक्टर ऑफ थ्री टेकिंग सेकेंड फैक्टर ऑफ थ्री वी गेट d capital P upon du is equal to 0 implies that d capital P is equal to 0, integrating we get capital P equal to arbitrary constant C, number 4। 2 और 4 के बीच में P को eliminate करें, eliminating capital P between 2 and 4, we get V is equal to UC plus C square, that is V बोले तो XY is equal to CU यानी कि CY plus C square। ये रहा जनरल सोल्यूशन। V इज इक्वल टू यू सी प्लस सी स्क्वायर, ये जनरल सोल्यूशन है। टेकिंग फर्स्ट फैक्टर ऑफ थ्री वी गेट द सिंगुलर सोल्यूशन। Taking first factor of 3, u plus 2 capital P is equal to 0 implies that capital P is equal to minus u by 2, number 5।
Eliminating capital P between 2 and 5, we get the singular solution. Eliminating capital P between 2 and 5, we get 2 कहाँ है? ये V is equal to U into minus U by 2 plus U square by 4 is equal to U square by 4 minus U square by 2 will be minus U square by 4, implies that U square plus 4V is equal to 0. यही singular solution है. That is U square माने Y square plus 4V माने XY is equal to 0. ये सिमिलर सोल्यूशन. तो एग्जाम्पल जो था, क्वेश्चन जो था, प्रॉब्लम जो था, उसका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया. अब जैसा कि लगभग हर क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं नोट लगा के लास्ट में, P डिस्क्रिमिनेंट, C डिस्क्रिमिनेंट, वही डिस्कस करने जा रहे हैं. एग्जाम में करने की जरूरत नहीं, ये मैं अलग से आपको बताते चल रहा हूँ. आपको मैं P डिस्क्रिमिनेंट, C डिस्क्रिमिनेंट से फेमिलियर करते चल रहा हूँ. ए चिकने बोर्ड नोट, पहले हम इक्वेशन टू को उठा रहे हैं. V इज इक्वल टू U कैपिटल P प्लस कैपिटल P स्क्वायर, दैट इज कैपिटल P स्क्वायर प्लस U कैपिटल P माइनस V इक्वल टू जीरो. P डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करोगे तो यू स्क्वायर प्लस फोर वी इक्वल टू जीरो आएगा. और ये क्या चीज़ है? ये है सिंगुलर सोल्यूशन. नेक्स्ट जनरल सोल्यूशन, वी इज इक्वल टू यू सी प्लस सी स्क्वायर, दैट इज सी स्क्वायर प्लस यू सी माइनस वी इक्वल टू जीरो. सी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए बी करने से आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस 4v इक्वल टू जीरो. ये क्या चीज़ है? सिंगुलर सोल्यूशन. तो जो सिंगुलर सोल्यूशन आप निकाले थे वो P डिस्क्रिमिनेंट में भी मौजूद है, C डिस्क्रिमिनेंट में भी मौजूद है, कॉमन है. यही आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए ये डिस्कशन हम करते चल रहे हैं. और आइए अगला एग्जाम्पल उठाते हैं. एग्जाम्पल नंबर 15. Solve the differential equation x square plus y square minus 1 multiplied by p is equal to 1 plus p square into xy. इसे देखा, x square plus y square minus 1 multiplied by p is equal to 1 plus p square into xy. नंबर वन, मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं क्लेरेट्स फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को, उसमें अधिकांश एग्जांपल्स आपको मिलेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर इक्वल टू वी ट्रांसफॉर्मेशंस पर बेस्ड. तो मैंने सलाह दिया था कि अपने नोट्स में ऐसे सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा कर लीजिए. ये ज़्यादा पॉपुलर हैं, सब यही पूछे जाते हैं ज़्यादा. तो उन्हीं में से एक ये है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर इक्वल टू वी हम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे. वी पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर इक्वल टू वी सो दैट टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी यू टू वाई डी वाई इक्वल्स टू डी वी, दैट इज कैपिटल पी विच इज नोटेशन फॉर डी वी अपॉन डी यू इज इक्वल टू, देखो डी वी अपॉन डी यू
टू वाई डी वाई अपॉन टू एक्स डी एक्स, यानी कि वाई डी वाई अपॉन एक्स डी एक्स, वाई अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई बोले तो रूट वी यू, एक्स बोले तो रूट यू, ये हो गया रूट वी अपॉन रूट यू और स्मॉल पी, इधर से इधर कर दें, इम्प्लाइज दैट स्मॉल पी इज इक्वल टू रूट यू अपॉन रूट वी इंटू कैपिटल पी। नाउ इक्वेशन वन रिड्यूसेस टू, इक्वेशन वन रिड्यूसेस टू, द इक्वेशन रिड्यूस करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यू प्लस वी माइनस वन, यू प्लस वी माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल पी रूट यू बाई रूट वी इंटू कैपिटल पी इज इक्वल टू वन प्लस पी स्क्वायर यू बाई वी इंटू कैपिटल पी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई, यानी कि मल्टीप्लाइड बाई रूट यू रूट वी, ये रहा। इम्प्लाइज दैट रूट यू अपॉन रूट वी इंटू यू प्लस वी माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल पी इज इक्वल टू, देखो इसमें एलसीएम आएगा वी ना, वो वी रूट वी से कट जाएगा तो नीचे रूट वी आ जाएगा, यानी कि ये हो गया वी प्लस यू इंटू कैपिटल पी स्क्वायर इंटू रूट यू अपॉन रूट वी, रूट यू अपॉन रूट वी दोनों तरफ कैंसिल हो गया, यू प्लस वी माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल पी इज इक्वल टू यू प्लस वी मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल पी स्क्वायर, कैपिटल पी भी कैंसिल हो गया, इम्प्लाइज दैट यू प्लस वी माइनस वन इज इक्वल टू यू प्लस वी मल्टीप्लाइड बाई पी, इम्प्लाइज दैट अब क्या किया जाए, हमें वी की वैल्यू निकालनी है ना, तो वी एक तरफ करो, वी को उधर ले चलो, तो v और क्या बचेगा यहाँ p माइनस वन, ये रहा इज इक्वल टू, ध्यान रहे v को उधर ले गए हो और u को भी उधर ले चलो तो u कॉमन बचेगा p माइनस वन, और ये माइनस वन उधर जाएगा प्लस वन, अब हम p माइनस वन से डिवाइड कर दें, इम्प्लाइज दैट v इज इक्वल टू u प्लस वन अपान कैपिटल पी माइनस वन नंबर टू, ये रहा क्लेरिट्स फॉर्म आ गया। क्लेरिट्स फॉर्म ये पूरा देख लो, कुछ तो गड़बड़ हो गया भाई, पी स्क्वायर तो अंदर है ना, ये देखो यहीं से गड़बड़ी शुरू हो गई, यहाँ से बेटा वन प्लस पी स्क्वायर है ना, तो वन प्लस पी स्क्वायर जब करोगे तो ये पी स्क्वायर अंदर आएगा, ये पी स्क्वायर ऐसा आएगा, ये ऐसा, समझ रहे भैया, ये गड़बड़ी हो गई, देखो ये ऐसा और फिर रूट यू इंटू रूट वी, अब इसी हिसाब से सब चेंज करते चलो, v प्लस यू पी स्क्वायर, ये रहा बस वैसे ही चेंज करते चलो, v प्लस यू पी स्क्वायर, अब p जो कट गया था वो कटेगा नहीं ना, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई सॉरी, अब इसके लिए फिर से वीडियो शूट नहीं करेंगे, यहीं पे हो गया ना, इम्प्लाइज दैट v को उधर ले चला जाए या इधर लाया जाए जैसी इच्छा, चलो इधर ही लाते हैं, तो v कॉमन ले लिया बच गया कैपिटल p माइनस वन इज इक्वल टू u, up चलेगा, देखो v को हम इधर ले गए u को हम उधर ले जा रहे हैं, तो ये up है, यूपी हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा पी और हो जाएगा माइनस वन,
अब बोलिए क्या बचा, माइनस पी बचा, उधर जाके हमने कर दिया प्लस पी। अब पी माइनस वन से डिवाइड कर दिए तो जाएगा वी इज इक्वल टू यू पी प्लस पी अपॉन पी माइनस वन। अब ठीक है, क्लेरेट्स इक्वेशन अब सही है, वन अपॉन पी माइनस वन आ गया, तो गलती हो गई थी, सॉरी वंस अगेन। मैथमेटिक्स का यही तो मजा है, जरा सा दिमाग इधर उधर कुछ सोचने लगे तो उसी में कभी कभी मुंह से कुछ गलत निकल जाता है, कभी कभी हाथ से कुछ गलत लिख उठता है, शुद्ध दिमाग सोच कुछ और रहा है, लिख कुछ और रहा है, बोल कुछ और रहा है, तो ये तालमेल कभी कभी गड़बड़ाता है, अक्सर नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब इसको चलो सॉल्व करें, आगे बढ़ाएं। डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू यू, डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू यू, वी गेट कैपिटल पी इज इक्वल टू कैपिटल पी प्लस यू डी कैपिटल पी अपॉन डी यू और प्लस डी कैपिटल पी अपॉन डी यू। नीचे हो गया कैपिटल पी माइनस वन होल स्क्वायर, ऊपर हो गया कैपिटल पी माइनस वन इंटू वन माइनस पी इंटू वन, इम्प्लाइज दैट जीरो इज इक्वल टू यू डी कैपिटल पी अपॉन डी यू, पी से पी कैंसिल हो गया, माइनस वन अपॉन कैपिटल पी माइनस वन होल स्क्वायर डी कैपिटल पी अपॉन डी यू, इम्प्लाइज दैट यू माइनस वन बाई कैपिटल पी माइनस वन होल स्क्वायर दिस होल मल्टीप्लाइड बाई डी पी अपॉन डी यू इज इक्वल टू जीरो, नंबर थ्री। डेटा कुछ यहाँ पे इकट्ठा कर लें हम लोग देखने के लिए, ये नंबर वन है ये नंबर टू है, तो नंबर वन तो मिट गया तो नंबर वन की जरूरत वैसे भी नहीं पड़ती, नंबर टू से उतारना शुरू कर रहे हैं। v इज इक्वल टू यू पी प्लस पी अपान पी माइनस वन, इक्वेशन नंबर टू। ट्रांसफॉर्मेशंस याद ही है, ट्रांसफॉर्मेशंस क्या लिए हम लोग, एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर इक्वल टू वी। जनरल सोल्यूशन में क्या कहना, v इज इक्वल टू यू सी प्लस सी अपान सी माइनस वन, ये हो गया जनरल सोल्यूशन। आगे बढ़े, जनरल सोल्यूशन टेकिंग सेकंड फैक्टर ऑफ थ्री, टेकिंग सेकंड फैक्टर ऑफ थ्री, डी कैपिटल पी अपॉन डी यू इज इक्वल टू जीरो, इंप्लाइज दैट डी कैपिटल पी इज इक्वल टू जीरो, इंटीग्रेटिंग वी गेट। अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे एक्सटानियस लोसी से संबंधित बातचीत क्लियर कट। 15 एग्जाम्पल्स हमने बताए सिंगुलर सोल्यूशन पे विदाउट एक्सटानियस लोसी, और ये 15 एग्जाम्पल्स किसी को ट्रेंड करने के लिए काफ़ी होते हैं। सारे क्वेश्चन जितने भी उपलब्ध हैं डिफरेंट बुक्स में सबको कराया जाइए, तो गणित कोई ट्रेंड करने का तरीका ही नहीं है, सोल्यूशन प्रोवाइडर हम थोड़ी, हम आपको मैथमेटिक्स सिखा रहे हैं ना, इतनी प्रैक्टिस करा दिए, 15 एग्जाम्पल करा दिए, बाकी आप खुद करो मजा लो। इंटीग्रेटिंग वी गेट पी इक्वल टू सी, नंबर फोर। एलिमिनेटिंग पी बिटवीन टू एंड फोर, एलिमिनेटिंग कैपिटल पी बिटवीन टू एंड फोर वी गेट। v इज इक्वल टू यू सी प्लस सी अपॉन कैपिटल पी माइन कैपिटल सी सॉरी 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 सी माइनस वन, ये सिंगुलर सोल्यूशन आ गया। चाहे तो आप इसमें एक्स वाई में चेंज कर लें, v माने वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन सी माइनस वन, ये रहा।
नेक्स्ट सिंगुलर सॉल्यूशन, टेकिंग फर्स्ट फैक्टर ऑफ थ्री, टेकिंग फर्स्ट फैक्टर ऑफ थ्री, यू माइनस वन अपॉन पी माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज दैट वन अपॉन पी माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू यू, ठीक है भाई, इंप्लाइज दैट पी माइनस वन इज इक्वल टू वन बाई रूट यू, इंप्लाइज दैट कैपिटल पी इज इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन रूट यू. नंबर फाइव, Eliminating capital P between 2 and 5. We get 2. V is equal to U into capital P money 1 plus 1 by root U plus dividing line. Upar P rahega, yani ki 1 plus 1 by root U. Niche rahega P minus 1. मैंने कि वन अपॉन रूट यू, देख लें एक बार, मैं हट जा रहा हूँ सामने से. इंप्लाइज दैट वी इज इक्वल टू यू प्लस रूट यू, समझ में आ रहा है ना, यू से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर हो जाएगा प्लस रूट यू प्लस वन अपॉन वन इज इक्वल टू रूट यू कॉमन ले लिया, बच गया रूट यू प्लस वन प्लस रूट यू प्लस वन इज इक्वल टू रूट यू प्लस वन इंटू रूट यू प्लस वन होल स्क्वायर, ये आ गया. तो इसी को सिंगुलर सॉल्यूशन हम कह दें, दैट इज वी बोले तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, ये सिंगुलर सॉल्यूशन है. अब हम पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट दोनों में, ये देखो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये पी में क्वाड्रेटिक बनेगा, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो सी में क्वाड्रेटिक बनेगा. तो जब वहाँ से हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिस्क्रिमिनेंट लेंगे ना तो इतना नहीं आएगा, थोड़ा इसी का बदला हुआ रूप आएगा. तो इसी को हम देखो थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं, दैट इज वी इज इक्वल टू, इसको खोलिए एक्सपेंड करिए, यू प्लस वन प्लस टू रूट यू इम्प्लाइज दैट वी माइनस यू माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर यू implies that. अब इसे हम जैसे ऐसे लिख दें v माइनस ब्रैकेट में u प्लस वन और तब होल स्क्वायर कर दें इक्वल्स टू फोर यू, क्योंकि फोर यू हमें एडजस्ट करना है इधर, implies that v स्क्वायर माइनस टू वी इंटू यू प्लस वन और प्लस u प्लस वन होल स्क्वायर, और ये दाहिने तरफ वाला माइनस फोर यू इधर ले आए इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट वी स्क्वायर माइनस टू वी इंटू यू प्लस वन और प्लस ये हो जाएगा यू माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. इतनी बात समझ में आ रही है. अब यहीं पे तो हम सेटिंग करने जा रहे हैं, इम्प्लाइज दैट वी स्क्वायर माइनस टू वी इंटू यू प्लस वन को हम यू माइनस वन ले दे रहे हैं जबरिया, और फिर उसको बैलेंस कर लेंगे ताकि होल स्क्वायर बन सके, यू माइनस वन प्लस यू माइनस वन होल स्क्वायर, और अब बैलेंस करो माइनस टू वी यू माइनस टू वी यू, यहां भी यहां आ गया प्लस टू वी, प्लस टू वी है यहाँ पे, होना चाहिए था माइनस टू वी, तो प्लस टू वी में हम कितना और जोड़ दें घटा दें, प्लस टू वी में हम क्या कर दें माइनस माइनस फोर वी कर दें,
माइनस फोर वी। अब बताइए प्लस टू वी माइनस फोर वी, माइनस टू वी हो गया, माइनस टू वी आ गया। तो ये सेटिंग किया इज इक्वल टू ज़ीरो, इम्प्लाइज दैट ये रहा v माइनस ब्रैकेट में u माइनस वन होल स्क्वायर। बोलिए है कि नहीं, v स्क्वायर माइनस टू वी इंटू यू माइनस वन प्लस यू माइनस वन होल स्क्वायर और माइनस फोर वी इज इक्वल टू ज़ीरो, इम्प्लाइज दैट v, v माने ऐसे लिखते हैं v माइनस यू प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर वी। ये सिंगुलर सोल्यूशन आ गया, चाहो तो इसको x और y में कन्वर्ट कर लो, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर 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 वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर वी माइनस यू फिर प्लस माइनस का डिफरेंस बता रहा है, v माइनस यू माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर यू। हाँ फोर वी बेकार चक्कर पड़ गया, वहीं पे ऐसे हो जाता ना, वहीं पे हो जाता। ये सब बेकार ही करने गए, यहाँ नहीं करना था कहीं और। खैर ये जो किए हैं उसमें कुछ गलत नहीं हुआ है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसको यहीं छोड़िए सर। हम पी डी सी डी में करेंगे, इसको क्यों करें, इसको यहीं छोड़िए। तो ये हो गया सिंगुलर सोल्यूशन। नोट, अब जो नोट हम लोग लगाते हैं हर क्वेश्चन में उसे देखें। पहला v इज इक्वल टू यू कैपिटल P प्लस कैपिटल P अपॉन कैपिटल P माइनस वन, इम्प्लाइज दैट v इंटू P माइनस वन इज इक्वल टू यू पी इंटू P माइनस वन प्लस P, इम्प्लाइज दैट वी पी माइनस वी इज इक्वल टू यू पी स्क्वायर माइनस यू पी प्लस P, इम्प्लाइज दैट यू पी स्क्वायर माइनस यू पी फिर इधर से उधर जाएगा माइनस वी पी, कुछ गड़बड़ हम कर रहे हैं इसलिए कि वी को एक तरफ कर लेना, नहीं हमको तो क्वाड्रेटिक बनाना है ना, सॉरी, इम्प्लाइज दैट यू पी स्क्वायर ये हो गया माइनस यू पी माइनस वी पी प्लस पी और प्लस वी इज इक्वल टू ज़ीरो, इम्प्लाइज दैट यू पी स्क्वायर माइनस कॉमन ले लें तो हो जाएगा u प्लस वी माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई पी प्लस वी इज इक्वल टू ज़ीरो। पी में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना यू पी स्क्वायर माइनस यू प्लस वी माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई पी प्लस वी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हम पी डिस्क्रिमिनेंट लिखें, पी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यानी कि यू प्लस वी माइनस वन होल स्क्वायर माइनस फोर यू वी माइनस फोर यू वी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसे एडजस्ट करना तो यू प्लस वी लेके एक साथ चलेंगे, यानी देखो ऐसे यू प्लस वी होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस यू प्लस वी और प्लस वन। बोलो u प्लस वी को हमने एक एंटिटी समझ लिया तो u प्लस वी का स्क्वायर प्लस वन माइनस ट्वाइस ऑफ दिस और माइनस फोर यू वी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये और ये मिल करके हो जाएगा
यू माइनस वी होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस यू प्लस वी और प्लस वन इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज दैट इसे थोड़ा सा और बढ़िया से लिख देते हैं ना दैट इज इसको ऐसे हम लिखना चाह रहे हैं वी माइनस यू माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर यू वी माइनस यू चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है तो इसको हम कर दें इम्प्लाइज दैट वी माइनस यू होल स्क्वायर माइनस टू वी प्लस यू प्लस वन इज इक्वल टू जीरो होल स्क्वायर होने के कारण कोई असर नहीं पड़ेगा माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा इम्प्लाइज दैट वी माइनस यू होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस वी माइनस यू प्लस वन और प्लस माइनस जो भी लिखना है लिख करके इसको बैलेंस करिए यहाँ माइनस टू वी था माइनस टू वी बरकरार है ये प्लस टू यू लिख दिया है आपने जबकि माइनस टू वी लिखना था यानी कि हम यहाँ क्या कर दें माइनस फोर यू बैलेंस हो गया इक्वल्स टू जीरो और अभी हो गया इम्प्लाइज दैट वी माइनस यू माइनस वन का होल स्क्वायर बोलिए हाँ कि ना v माइनस यू होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ v माइनस यू प्लस वन और जो ये 4u है इसको उधर कर दिया इज इक्वल टू 4u तो आगे ना उतना ही देखो फिर दैट इज v माइनस यू माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4u ये माइनस वन क्यों आ रहा है अच्छा यही वहाँ भी तो आया था वी माइनस यू माइनस वन वी माइनस यू माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू फोर यू ठीक है बिल्कुल ठीक है और जब सी डिस्क्रिमिनेंट की बात करेंगे तो देखो पी डिस्क्रिमिनेंट सी डिस्क्रिमिनेंट क्या अंतर है पी की जगह सी है बस तो आप चाहो तो नोट में ही दूसरा चीज जब उतारेंगे वी इज इक्वल टू यू सी प्लस सी अपॉन सी माइनस वन सिर्फ देखो यही तो है ये पी की जगह सी है तो एकदम डायरेक्ट इसको कर दे रहे हैं इसको डायरेक्ट कर दे रहे हैं यू सी स्क्वायर माइनस यू प्लस वी माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस वी इज इक्वल टू जीरो सी डिस्क्रिमिनेंट यू प्लस वी माइनस वन होल स्क्वायर माइनस फोर यू वी इज इक्वल टू जीरो और इसको बिल्कुल इसी तरह से करने पर आएगा v माइनस यू माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर यू तो आपका जो सिंगुलर सोल्यूशन निकला था वो p डिस्क्रिमिनेंट में भी मौजूद है और c डिस्क्रिमिनेंट में भी मौजूद है काफ़ी क्वेश्चन हमने बताए और p डिस्क्रिमिनेंट c डिस्क्रिमिनेंट की चर्चा लगभग हमने हर क्वेश्चन में किया थैंक यू चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ ज़रूर कर दें अगले वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे एक्सटानियस लोसी पर आधारित सम्स थैंक यू